अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू रहमान टीचर्स फिजिक्स। टुडे वी आर गोइंग टू डू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ चार्ज इज द अमाउंट ऑफ फोर्स विच अ सोर्स चार्ज एक्सर्ट पर यूनिट चार्ज। अब देखिए, एक जगह पर आग लगी हुई है, सही है, आप दूर हैं, आपको उसकी शिद्दत का एहसास नहीं हो रहा, उसकी गर्मी का इतना नहीं पता चल रहा। अब आप जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे, आपको उसकी गर्माइश का एहसास होता जाएगा, और जितना नज़दीक आएंगे आपको उतनी ज़्यादा गर्मी लगेगी। वो जो गर्मी है वो है शिद्दत का एहसास, उसे हम इंटेंसिटी कहते हैं। अब हम फिजिक्स से समझ लेते हैं क्या होता है। अब देखिए, ये कोई भी चार्ज है, ये क्यों कोई भी हमारे पास चार्ज है, अब ये इसकी फील्ड है। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास कोई दूसरा चार्ज है Q नॉट, और टेस्ट चार्ज है तो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब देखिए, ये इतना दूर है लेकिन इस पर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है ये हमें मालूम करना है। अब देखिए, ये इतना दूर है, इस पर फोर्स अप्लाई हो रही है, अब ये थोड़ा सा नज़दीक आ जाएगा तो इस पर ज़्यादा फोर्स लगेगी, ये थोड़ा सा और नज़दीक आ जाएगा तो इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगी। अब हमें यही देखना है कि हाउ मच फोर्स सोर्स चार्ज अप्लाइंग ऑन अनदर चार्ज, तो इस पर कितनी फोर्स लग रही है F/Q0, इस पर कितनी लग रही है F/Q0, इस पर कितनी लग रही है, हमें स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स मालूम करनी है। स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स को भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अब देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम E से डिनोट करते हैं, तो E इज इक्वल टू हाउ मच फोर्स इज अप्लाइंग ऑन अनदर चार्ज। तो E इज इक्वल टू F/Q, कितनी फोर्स पर यूनिट चार्ज को भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, इस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है। अब देखिए, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है, हमें फोर्स मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे, F पड़ा हुआ है, क्यू इधर डिवाइड हो रहा है, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा EQ। अब देखें इनके चार्जेस क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन, चार्ज का यूनिट क्या है कूलम, न्यूटन पर कूलम, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, न्यूटन कूलम इनवर्स। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर इसके हवाले से कोई भी क्वेरीज हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू।